So, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड से कैसे लोन लेते हैं, क्या तरीका है आधार कार्ड से लोन लेने का और कितना लोन मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर कराना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड से हम कैसे लोन ले सकते हैं। कई बार कई लोग पूछते हैं एक दूसरे से, किसी से सवाल आते हैं कि आधार कार्ड से कैसे लोन लिया जाता है, क्या तरीका है आधार कार्ड से लोन लेने का, क्योंकि आज के डेट में आधार कार्ड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो चुका है। एक समय था जब आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं होती थी, उससे हम बस सिर्फ सिम कार्ड खरीद पाते थे और ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं रहती थी, लेकिन आज के समय में आधार कार्ड आपकी बहुत ज्यादा वर्थ रखता है, बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। अब कोई भी सेक्टर, चाहे बैंकिंग में आपका जाना है तो बैंक में आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी है, अगर आपने कोई FD वगैरह करवाई तो आधार कार्ड देना जरूरी है। अब पैन कार्ड के साथ मैंडेटरी हो गया आधार कार्ड अपडेट करवाना, लिंक करवाना, मोबाइल नंबर के साथ लिंक करवाना और साथ ही साथ इनकम टैक्स वगैरह में आधार पैन कार्ड एक साथ लिंक करवाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो गया। तो आधार कार्ड की जो वैल्यू बढ़ती जा रही है हमें दिनों दिन, तो आधार कार्ड के बहुत सारा यूजेस भी हो गया और उससे बहुत सारे बेनिफिट भी हम ले सकते हैं। आधार कार्ड सिर्फ आपकी जेब में रखने के लिए, आपकी पर्स की जगह घेरने के लिए नहीं है, आधार कार्ड से आप हर वो काम कर सकते हैं जो पहले और दूसरे डॉक्यूमेंट से होता था। तो आधार कार्ड से कैसे हम लोन ले सकते हैं, क्या तरीका है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो का अंत तक बने रहें। सो हम बात कर रहे थे कि आधार कार्ड से हम कैसे लोन ले सकते हैं। आधार कार्ड हम एड्रेस प्रूफ हुआ करता था कभी, आज के समय आपका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और उसके साथ लोन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना होगा, जो आपके पास आधार कार्ड है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपके पास आधार कार्ड है उस पर दी गई जानकारी, यानी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसके ऊपर जो एड्रेस दिया गया है वो सही होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि कहीं आप रह रहे हैं कहीं और उसके डिटेल जो है वो सही नहीं है, तो ऐसे में आपको आधार कार्ड पर लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप ये चेक कर लें कि आधार कार्ड पर जो आपकी डिटेल दिख रही है वो सही होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल सही है तो आप आधार कार्ड के जरिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अब हम बात करने वाले कि अप्लाई कैसे करें, क्या तरीका है कि हम अप्लाई करें अपने पर्सनल लोन के लिए आधार कार्ड से। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको बैंक की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, यानी बैंक कोई भी बैंक हो सकती है जिससे आप लोन लेना चाहते हैं, ICICI है, HDFC है, SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, एक्सिस बैंक है, बहुत सारी बैंक हैं। आप किससे लोन लेना चाहते हैं उनकी वेबसाइट पर जाएं आप, और वहां पर वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आप पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। वहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर अपनी डिटेल फिल करेंगे और उसके बाद अपनी योग्यता चेक करें, यानी जब आप डिटेल फिल करेंगे वहां पर योग्यता चेक करने के लिए, यानी आप एलिजिबल हैं या नहीं है लोन लेने के लिए वो चेक करें। एक बार आपका कंफर्मेशन आ जाए कि आप योग्य हैं यानी आप एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए, तो आप अप्लाई बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो खुल के आएगा, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उस एप्लीकेशन में आप सारी डिटेल फिल कर दें और कितने लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सारी चीज़ें उसमें आप फिल करके दें उनको, और बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा वो सारा उस फॉर्म पर लिख के भी आ जाएगा। तो ये डिटेल फिलने के बाद जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, जब बैंक का एम्प्लॉई आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई कर देगा, सारी चीज़ें देख लेगा, तो फिर वो आपसे कहेगा कि आप आधार कार्ड को अपलोड कर दीजिए। जैसे ही आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपके खाते में वो लोन को ट्रांसफर कर देंगे और आपको कितना लोन मिलना है ये सारी चीजें भी आपको वो बता देंगे। तो इस अगर जब आपके पास कंफर्मेशन आ जाए लोन का कि आपको मिलने वाला, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर पता कर लें कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और कितने साल के लिए है, ये सारी चीजें पता भी कर लें तो अच्छा रहेगा। तो आपका जैसे कंफर्मेशन हो जाएगा एप्लीकेशन, उसके बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा, और जैसे ही आपके खाते में रकम आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, तो आप अपने उसको यूज कर सकते हैं जिस काम के लिए आपने लोन लिया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें लोन के लिए जो पात्र हैं, एलिजिबल हैं, उनकी एज 23 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये एज क्राइटेरिया भी जरूरी है, इसके अगर 23 साल से कम है या 60 साल से ज़्यादा है उन लोगों को आधार कार्ड से लोन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, गवर्नमेंट की योजना भी आई है कि आधार कार्ड से लोन ले सकते हो। तो ये तरीका है आधार कार्ड से लोन लेने का, तो आप बैंक की वेबसाइट पर जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें अगर, तो आधार कार्ड से लोन लेना बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, जिससे क्या होगा हम कभी भी पर्सनल लोन ले सकते हैं, घर बैठे लोन ले सकते हैं, बैंक ब्रांच विजिट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, और हम अपने आसानी से अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से उसको लोन को ले सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, जिससे क्योंकि आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है, और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम वहाँ पर आपकी मदद जरूर करेंगे।
वीडियो उन लोगों को भी शेयर करें जिन लोगों को इसकी जरूरत है, जिन लोग लोन लेना चाहते हैं, जिनको पैसे की जरूरत है उनको शेयर करें, जिससे वो अपने आधार कार्ड से अपने घर बैठ के लोन ले सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।